बात बात पर झगड़ देना, बात बात पर डांट देना, मैं तब डांटता हूं जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है और बोलना ही पड़ता है। मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि भाई हर काम मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, तो ये लोग कहते नहीं सर आप चले जाओ एक बार बस सब शांत हो जाएंगे। क्या है ये, यही आपको सीखना है। बहुत शॉर्ट में निपटा रहा हूं, विशेष करके सेकंड ईयर को डेडिकेट करता हूं। एक मैडम थी कंचन शर्मा, मूलतः नागपुर की रहने वाली, जम्मू कश्मीर में रहती थी, टीचिंग करती थी वहां। एक दिन लाल बत्ती से गुजर रही थी तो दो बच्चे आते हैं और हाथ फैला देते हैं, वो अपने पर्स पे हाथ डालती है, कुछ पैसे निकाल के उनको दे देती है। अगले दिन फिर वही होता है, दो बच्चे और होते हैं, उनका हाथ जैसे ही पर्स की तरफ जाता है वो रोक लेती है कि नहीं भिक्षा नहीं दूंगी, मुझे शिक्षा देनी है। उन्होंने बच्चों से पूछा रहते कहां हो, वो वही झुग्गी में रहते थे झोपड़ी पास में, वो वहां पहुंचे तो ऐसे ढेर सारे बच्चे थे। कंचन शर्मा ने उन सारे बच्चों को अपने यहाँ इनरोल कराया, जहां जिस विद्यालय में थी वो हायर सेकेंडरी विद्यालय था, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ड्रेस भी दी गई, सब कुछ दिया गया। दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया तो बच्चे फिर सब घर बैठ गए, अब कैसे पढ़े, बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने गवर्नमेंट से निवेदन भी किया कि जिन बच्चों के लिए हमने एडमिशन लिया था वो सब चले गए, केवल हमारी वजह से आए थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, रिटायरमेंट ले लिया। फिर एक छोटा सा टेम्परेरी स्कूल जिसकी दीवारें केवल टीम की खड़ी की गई, ऊपर से टेंट डाल दिया गया, उन बच्चों को बुला गया। उनमें कुछ बच्चे आए, कुछ बोले अब तो हमें कुछ मिलेगा ही, उन्होंने कहा नहीं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। वो बच्चे फिर आ गए, इनरोल्ड हो गए, 60 बच्चे थे पहली वर्ष में, फिर 100 हुए, फिर 120 हुए, आज 300 से ज्यादा वहां बच्चे हैं, 300 से ज्यादा। उन बच्चों में कुछ बच्चों की जॉब लग गई, जब वो टीचर बन गए तो बच्चों रियली मानिए वो अपने घर नहीं गए मिठाई का डिब्बा लेकर के, सबसे पहले कंचन शर्मा के घर पहुंचे और बोले मैडम अगर आप उस दिन हमें भिक्षा दे देती तो शायद ये इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, एक टीचर का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है। बस यही सीखिए। कल बी एजुकेशन का वायवा हो रहा था, मैं वायवा ले रही थी बरेली कॉलेज की छोटी डॉक्टर नीता सिंह, हर बार वो एक ही क्वेश्चन करती थी शिक्षा क्या है, वो जितने कर्म जले शिक्षा की परिभाषा नहीं दे पा रही थी, ये दुर्भाग्य था क्योंकि सब कोरोना काल के इंटर पास करके आए हैं, क्या बताएंगे शिक्षा क्या होती है। लेकिन बच्चों आपको पता है शिक्षा क्या होती है, अभी जो कंचन शर्मा का मैंने उदाहरण दिया, शिक्षा ये होती है पैसा बहुत कमा सकती हो लेकिन इंसानियत हर किसी के बस में नहीं होती है। एक अच्छे टीचर की पहचान है कि आप चाहे अपना सब कुछ गवा दो लेकिन बच्चों को बनाओ, बस यही सबसे बड़ी आपकी टीचिंग है। अंत में कुछ पंक्तियां हैं, हाँ ड्रेस कोड लागू हुआ था, खास करके फर्स्ट ईयर में कहा था कि हम पर ही क्यों लागू क्यों, तो हमें तो शायद रात में पता चला, स्वामी मैम ने फोन करके बताया कि सर पर्पल शर्ट पहन के आनी है, तो कहीं से ढूंढ के निकाली। ईमानदारी से 4 बजे कभी नहीं उठता था, आज उठा, शरीर जैसे रोगाणु हो गया, आज 4 बजे उठ के अपने आप सबसे पहले शर्ट ढूंढी है कहाँ प्रेस की, घर में सब सो रहे थे किसी को पता नहीं मैं कितने बजे उठ गया क्या कर लिया, कर करा के टांग दी, सवेरे ही उठ के चला आया पहन करके। तो ये सब हमारे डिपार्टमेंट की बहादुरी है, देखा मैं इनके लिए भी तालियां रखती हूं। सर जीवन में कुछ नहीं कमाया, हमारे ढेर सारे फैकल्टी मेंबर यहां बैठे हैं, मैं आज एक बात का दावा करता हूं, लोग वादा करते हैं, मैं दावा करता हूं, अक्सर हमारे फैकल्टी मेंबर से हमारे साथी जो बहुत नियर डियर है वो कहते हैं कि बच्चे कभी सगे नहीं होते, हम सीना फाड़ के बता सकते हैं सर बच्चे ही सगे होते हैं और दुनिया में कोई सगा नहीं है। इसका उदाहरण है मेरा ऑपरेशन हुआ, सर रियली बता रहा हूं आज, वो पहला दिन था
मेरे बीएड के बच्चे मेरे पास आए सर के पुलिस का ठीक हुआ, ये मेरे बच्चे हैं, इसलिए फाखर से कहता हूं कि मेरे बच्चे हैं। मैं पालता हूं, मैं अपनी तरफ नहीं देखता। सर ने कहा तबीयत खराब है टीचिंग में जा रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, अगर यहां पीछे रह गया तो जीवन भर के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि इस वर्ष टीचिंग क्यों नहीं हुई। ये कोई नहीं देखेगा ना डॉक्टर मुकेश शर्मा का स्वास्थ्य कैसा है, सब प्रश्न उठाएंगे कि टीचिंग क्यों नहीं हुई। इसलिए मैंने अपने आप को नजरअंदाज किया। मुझे पता है अंतिम दिन वहां लास्ट सेरेमनी थी, तो डॉक्टर मनोज सक्सेना एमबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा था लास्ट डे हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस को देखते हुए। सारे बच्चे उनके खड़े हुए थे, उन्होंने सबके बारे में बोला और लास्ट में बोले कि पहली बार उत्कर्ष कॉलेज के बच्चे हमारे यहाँ टीचिंग करने आए हैं, सबके लिए जोरदार क्लैपिंग। तो सारे बच्चों ने क्लैपिंग की, उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। तो सर रियली बता रहा हूं, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, उस समय मैं बैठ भी नहीं पाता था। मैंने बहुत हिम्मत करके खड़ा हुआ, मैंने केवल चार लाइनें बोली थी। ये सर्टिफिकेट के सारे बच्चे गवाह हैं इस बात के, उनसे रहा नहीं गया। सर से बोले सर मुझे नहीं पता था आप ऐसे हो। तो ये सब कहां से आता है? मैं आपसे सीखता हूं, जीवन भर सीखता रहता हूं। मैं कोई अपनी मां के पेट से नहीं सीख के आया, इसीलिए मैं फिर कहता हूं बच्चों जीवन भर सीखते रहोगे, जिस दिन प्रोफेसर बन गए ना, जिस दिन टीचर बन गए, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए क्लास में हमेशा लास्ट बेंचर बनके सीखते रहो, लाइफ बहुत अच्छी है। ख्वाब सजा लेने में थोड़ा वक्त तो लग जाएगा, नई जगह लेने में थोड़ा वक्त तो लग जाएगा। देखो जी नाराज न होना, याद आ जाए तो हमें भुला देने में थोड़ा वक्त तो लग जाएगा। और नहीं कुछ खास है मेरी, हम सब उत्कर्ष परिवार की तरफ से, और नहीं कुछ खास है मेरी, बस छोटी सी आस है मेरी, फुर्सत हो तो अर्चना त्रिपाठी, फुर्सत हो तो बतिया लेना, एक छोटी अरदास है मेरी, एक छोटी अरदास है मेरी। और अंत में फिर आपके लिए एक सीख, मुझे लगता है आज अंतिम दिन है टीचिंग का, विशेष करके उत्कर्ष में आपकी स्टडी का, आपके रुकने का। आज के बाद आप पराई हो जाओगे, दिल तो नहीं कहेगा लेकिन फिर भी पराई से लगोगे। बाँह छुड़ाए जात रहो निवल जान के मुए, जब हृदय से जाओगे तब जानूंगा तुम्हें।